सारे छात्र इधर ध्यान दें, इंजीनियरिंग में कभी कभी धातुओं को जोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो कभी कभी टेम्परेरी जॉइंट्स की जरूरत पड़ती है जिसको आप टाइट कर लें और खोल लें, और कभी कभी परमानेंट जॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो जो परमानेंट जॉइंट कैसे कैसे होते हैं तो उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे, स्पेशली वेल्डिंग के बारे में, वेल्डिंग किन किन तरीकों से की जा सकती है। मेटल्स में जनरली इंजीनियरिंग में यूज होता है आयरन, आयरन स्टील, इसके अलावा जो भी मेटल है सभी मेटल की वेल्डिंग हो जाती है। तो आज देखते हैं कि वेल्डिंग की क्या क्या मेथड है, आज बेसिक समझेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कैसी वेल्डिंग होती है, किस किस टाइप की, उसके बाद फिर एक एक करके डिटेल में उसके बारे में समझेंगे। अभी सिर्फ बेसिक समझें कितने टाइप की होती है। तो वेल्डिंग की विधियाँ हैं, दो तरह की विधियाँ आप मान सकते हैं। एक तो क्या है, हॉट वेल्डिंग विद द हीट, जब आप गर्म करके दो धातुओं को पिघला देते हैं और पिघलाने के बाद जो लिक्विड बन जाता है वो एक दूसरे के पास आ जाता है और मिल जाता है, फिर धीरे धीरे ठंडा होके वो परमानेंट जॉइंट बन जाता है। तो ये है विद द हीट, एक तरीका है। दूसरा है विदाउट हीट, इसमें क्या है, दो ठंडी धातुओं को प्रेशर से, इन दोनों को यहाँ ये एरिया सब साफ करके खूब प्रेशर से दबाते हैं, इतना प्रेशर से दबाते हैं जो इनका इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, फिर चीज जुड़ जाती है, बहुत अच्छी टाइप का जोड़ मिलता है। लेकिन ये स्पेस वगैरह में अभी तक यूज किया गया है, अमेरिका वगैरह ने किया है स्पेस में, वहाँ ये वैक्यूम कंडीशन होती है, ये सरफेस पूरी साफ कर जब प्रेशर लगाते हैं तो ये जुड़ जाता है। इसी तरह से अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, ये भी इसी टाइप का है, तो इसका आज की डेट में भी कम यूज है। ज़्यादातर वाइडली जो इंजीनियरिंग में यूज हो रहा है वो गर्म करके जो वेल्ड तैयार होते हैं वो यूज हो रहा है। तो थोड़ा डिटेल में इनको समझते हैं, फिर एक एक वेल्डिंग को हम लोग डिटेल में समझेंगे। देन जो फ्यूजन करके या सलाइन करके जो वेल्डिंग होती है, इसको बोलते हैं धातु को पिघला कर जो वेल्डिंग होती है उसके बारे में देखते हैं कितने टाइप की होती है। तो एक तो हो गया इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, दूसरा हो गया गैस वेल्डिंग, तीसरा हो गया केमिकल वेल्डिंग। जो गर्म करके जो जोड़ बनाते हैं वो तीन टाइप के बेसिकली मान सकते हैं। एक तो है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, बिजली किससे आर्क पैदा करते हैं उससे गर्मी पैदा करते हैं, धातु को पिघलाते हैं और तब जोड़ते हैं, ये हो गई इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ये दो तरह की होती है, एक तो है कार्बन आर्क वेल्डिंग, जो कार्बन का आर्क होता है वो यूज करते हैं, दूसरा अर्गन आर्क वेल्डिंग, डिटेल बाद में समझेंगे। इसमें बेसिकली ऐसे समझिए दो मेटल पीस रहते हैं, ऐसे दो मेटल पीस है, सपोज ये ए है ये बी है, इसके बीच में इसको वेल्ड करना है, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रोड रहता है जिसमें आप करंट सप्लाई करते हैं, 80 वोल्ट से अबव रहता है, जनरली 80 to 120 वोल्ट तक रखते हैं, जो आदमी को हेल्पफुल ना रहे। होल्डर से पकड़ते हैं, इसको पास लेके जाते हैं, तो एक बार टच करके ऐसे हटाते हैं तो स्पार्क स्टार्ट हो जाता है, स्पार्क स्टार्ट होके ये धातु मेल्ट होके इसके ऊपर गिरने लगती है, इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर ही फ्लक्स लगा रहता है, वो फ्लक्स भी इसके साथ गिरता है, गर्म होके वो एक स्लज फॉर्म करता है जो रेड कलर का आप देखते हैं, ये ऊपर तैर रही है स्लज, ये पूरे में तैर जाती है, और जो कि एयर में जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है उससे इसका रिएक्शन को बचाती है। हॉट मेटल है, तेजी से रिएक्ट करता है मेटल इसके साथ, एयर के साथ, एयर और नाइट्रोजन के साथ, एयर से एक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, तो ये दोनों जॉइंट के लिए खतरनाक होते हैं, जॉइंट वीक हो जाता है, तो इसलिए आपको एयर और नाइट्रोजन दोनों से सीलिंग चाहिए, तो सीलिंग सील्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो सीलिंग के लिए क्या है, आपने ये फ्लक्स इसके ऊपर देखिए, इलेक्ट्रोड के ऊपर ही फ्लक्स लगा हुआ है ये, तो ये साथ में मेल्ट होता जाता है और जो ऊपर एक स्लज फॉर्म करता है और इम्प्योरिटीज होती है उसके साथ मिलके स्लज बना लेता है, और जो सप्लाई एटमोसफेयर में है एयर की और नाइट्रोजन जो एटमोसफेयर है उससे रिएक्शन बच जाता है, ये पूरे पर इस तरह से व्हाइट कलर, ये रेड कलर है वो तैर जाएगा स्लज का, देन इसको ठोंक के, इस रेफर से ठोंक के ये स्लज निकाल देंगे। देखो इतना निकला वो दिखा है, तो एक्चुअल जो वेल्ड है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर से वेल्ड दिखाया है, और ये आपको स्लज है जो तोड़ के बाद में हटा देंगे, यहाँ इस तरह से स्पार्क दिखाया है। मेटल ये इलेक्ट्रोड का मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर यहाँ गिर जाता है, ये दोनों धातुओं में गर्म हो जाती हैं, लिक्विड बन जाता है यहाँ, और बाद में ठंडा होकर पूरा जॉइंट बन जाता है। तो ये अबाउट द आर्क वेल्डिंग। दूसरा है गैस वेल्डिंग, जो काम हम बिजली से करते थे, आर्क पैदा करके हीट पैदा कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, गैस से करेंगे। तो गैस में एक ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है,
वो बैडली यूज होती है, हालांकि और भी गैसें यूज होने लगी हैं आजकल, लेकिन ये अभी भी बैडली यूज हो रही है। ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग दो तरह की रहती है, लो प्रेशर वेल्डिंग और हाई प्रेशर वेल्डिंग। लो प्रेशर वेल्डिंग में जो एस्टीलिन है हम लोग ऐसी क्रिएट कर लेते हैं, डिब्बा जैसा रहता है, उसमें डालते हैं कार्बाइड। तो कार्बाइड डालने से एस्टीलिन गैस पैदा होती है, उसको हम टैप से निकाल लेते हैं, हालांकि उसका प्रेशर बहुत कम होता है, 0.02 kg/cm² लो प्रेशर एस्टीलिन का रहता है। मेरे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रेशर 2 kg/cm² रहता है। तो नॉलेज नॉजल जो रहता है, नॉलेज में ऑक्सीजन तेजी से आती है और ऑक्सीजन अपने प्रेशर से लो प्रेशर जो एस्टीलिन उसको खींच लेती है और आगे बर्निंग होती है। तो ये प्रोसीजर है लो प्रेशर ऑक्सीस्टीलिन वेल्डिंग का। हालांकि जो हाई प्रेशर ऑक्सीस्टीलिन वेल्डिंग है उसमें ऑक्सीजन एक सिलेंडर में और दूसरी एस्टीलिन रेड कलर का दूसरा सिलेंडर रहता है उसमें रहती है और उससे वेल्डिंग करते हैं। ये हाई प्रेशर वेल्डिंग होती है। ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लू कलर का रहता है और ब्लैक का भी हो रहा है, और एस्टीलिन का रेड या चॉकलेट कलर का रहता है। डेंजरस है, एस्टीलिन ही जलती है तो उसको बहुत केयर की जरूरत है। अगर कहीं भी कोई एस्टीलिन तो सबसे पहले भाग के एस्टीलिन का सिलेंडर बंद करना होता है, नहीं तो एक्सप्लोजन का चांस रहता है। ये अलग अलग टाइप की फ्लेम है, बेसिकली जो मेन परसेंटेज है उसके आधार बना के बनाया गया है। हालांकि 0 से लेके 100% तक जब आप ऑक्सीजन मिलाते हैं तो डिफरेंट टाइप के कलर पैदा होते हैं, डिफरेंट टाइप की फ्लेम पैदा होती है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कितना सेट करना है वो आप दोनों का प्रेशर सेट करते हैं, कितनी ऑक्सीजन रखना है, कितना एस्टीलिन रखना है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द मेटल, कौन सा मेटल आप कर रहे हैं। इस केस में देखिए, अगर 100% एस्टीलिन है, C2H2 एस्टीलिन का फॉर्म है, केमिकल फार्मूला है, तो अगर ये इसका परसेंट, इस लाइन देखो परसेंटेज दिखाया है, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज है, इसमें एस्टीलिन का परसेंटेज है। ये देखिए 100% एस्टीलिन है, ऑक्सीजन 0% जो आप सप्लाई कर रहे हैं, फ्लेम बहुत लंबी होती है, काला काला लास्ट में हो जाता है। तो ये है जब 100% एस्टीलिन होती है, स्टार्टिंग में जब खोलते हैं तब ऐसा होता है। इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 0 है बिकॉज जलती तो एस्टीलिन ही है, तो इसीलिए लंबी फ्लेम होती है, रेड कलर की फ्लेम होती है, यह येलो डार्क येलो। तो एक्चुअल जो कलर आपको वहाँ दिखाएंगे, एक्चुअल फ्लेम कैसी होती है आपको दिखाएंगे एक्चुअल वीडियो में, अभी बेसिक आप समझ लें। देन दूसरी स्टेज होती है, 66% आपने एस्टीलिन रखी है, कम कर दिया परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा दिया, सपोज 33% कर दिया। इन दैट ये जो फ्लेम इस तरह की फॉर्म थी, इसको रिड्यूसिंग या कार्बोनाइजिंग फ्लेम बोलते हैं, ये वाला। इसमें आप देखिए यहाँ पर एक कौन जैसा बनता है, ब्लू कलर का कौन बनता है, इसके ये तीन स्टेजेस इसके होते हैं, तीन एरियाज होते हैं। पहला एरिया ये हो गया, ये बिल्कुल नोजल के पास है ब्लू कलर का, तो एक ये रहता है जहाँ की जैसे ही नोजल से गैस निकली है एस्टीलिन और ऑक्सीजन, और दोनों वहाँ मिलके रिएक्शन चालू करते हैं, वो C2H2+O2, तो CO फॉर्म होता है और हाइड्रोजन रिलीज, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होती है, तो ये आगे बर्न होती है इसमें सेकेंड वाले एरिया में। तो पहला एरिया ये हो गया ब्लू वाला जो नोजल के पास ही है, इसको कवर करते हैं। दूसरा एरिया होता है सेकेंड एरिया, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बर्न होती है, और थर्ड वन एरिया जो और ज़्यादा डार्क रेड आप देखिए आउटसाइड में रहता है, ये तीसरा एरिया रहता है जो बाद में गैस बनती है वो यहाँ बर्न होती है। ये रिड्यूसिंग या कार्बोनाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। इनफैक्ट ऐसी जगह पर जहाँ ऑक्सीडेशन के चांसेस हैं तो हम ये वाला यूज करते हैं। ये जो सेकेंड वाला जो एरिया है ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, इनफैक्ट यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिस मेटल के ऊपर लगाते हैं तो वहाँ उसकी ऑक्सीजन खुद ही खींच लेता है, तो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। तो इसलिए एल्यूमिनियम की जो वेल्डिंग है, एल्यूम वगैरह वेल्डिंग के लिए या एल्यूमिनियम एलॉय की वेल्डिंग के लिए हम लोग इस तरह की यूज करते हैं, आरएम में भी यूज होता है, लेकिन वाइडली एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एलॉय के लिए हम लोग ये फ्लेम, ये वाली फ्लेम यूज करते हैं, रिड्यूसिंग और कार्बोनाइजिंग फ्लेम। अच्छा, तीसरा है न्यूट्रल स्टेज, न्यूट्रल फ्लेम देख लीजिए। ये न्यूट्रल फ्लेम क्या है, ना तो ये रिड्यूस करेगी और ना ऑक्सीडाइज करेगी, मीन्स कार्बोनाइजिंग भी नहीं होगा इससे और ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, न्यूट्रल फ्लेम है तो इसकी कंडीशन न्यूट्रल की रहती है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जब आप ऑक्सीजन का परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसको रिड्यूस कर दिया आपने 33% कर दिया एस्टीलिन, 66% कर दिया ऑक्सीजन, देन कम्बशन बहुत प्रॉपर होगा। ये जो कोने में आप देख रहे हैं इस पर नोजल के जस्ट ऊपर चमकीली व्हाइट लाइट स्टार्ट होती है,
ये कौन, बहुत साफ यही कटिंग एज होता है, यहाँ यूज करते हैं। और ये दूसरी फ्लेम है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होती है जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो जनरली ब्रास और ब्रॉन्ज वगैरह के लिए हम लोग ये यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग। तो ये तीन मेन तरह की फ्लेम है, एक तो न्यूट्रल है जो बीच में है, उससे पहले रिड्यूसिंग है और उसके बाद ऑक्सीडेशन है। 50% से ऑक्सीजन जैसे कम करते हैं तो रिड्यूसिंग फ्लेम बनाती है ज़्यादा, और 50% से ऊपर करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनाती है। आप डिपेंड करता है कितना आप सेट करते हो, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तीसरा दिखाया है, अगर आप ये बिल्कुल जीरो कर दें, समझने में इजी है, ये एस्किलीन जीरो कर दिया और ऑक्सीजन 100% है। जब आप बंद करते हैं तो यही होता है, आपको बंद सबसे पहले एस्किलीन करना होता है, ऑक्सीजन सप्लाई चलती रहेगी, सबसे पहले एस्किलीन बंद करिए, एस्किलीन बंद करेंगे तो इस तरह से बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलती रहेगी लेकिन जलेगी नहीं। इसके बाद आप ऑक्सीजन बंद करिए, स्टार्टिंग में आप ध्यान रखें हमेशा सबसे पहले एस्किलीन खोलनी है, और बंद करेंगे तो एस्किलीन ही बंद करनी है, ऑक्सीजन को टच करने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन बाद में खोलना है। सबसे पहले ऑक्सीजन ये एस्किलीन को खोलेंगे, जला लेंगे, फ्लेम जलने लगेगी, देन आप ऑक्सीजन सेट कर सकते हैं, फिर आप फ्लेम रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लेम सेट करेंगे। बंद करेंगे तब भी आप एस्किलीन ही बंद करेंगे, ऑक्सीजन को चलते रहने देंगे, जब फ्लेम बंद हो जाएगी बुझ जाएगी उसके बाद आप ऑक्सीजन बंद करेंगे, ये केयर की जरूरत है। तीसरा है केमिकल वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग भी बोलते हैं, थर्मिट वेल्डिंग क्या, रेलवे लाइन वगैरह हैं जो क्रैक्स डेवलप हो गए हैं उसको वेल्ड करना है तो ये प्रोसीजर अपनाया जाता है। फिगर छोटा बना के दिखाया, डिटेल में हम लोग बाद में बताएंगे, अभी हल्के में समझ लें। यहाँ पर ये आई सेप का ये आप देख रहे हैं, ये सपोज ये रेलवे लाइन है ये, और इसके चार जहाँ जोड़ जहाँ इसको वेल्ड करना है, सपोज क्रैक डेवलप हो गए टूट गई है तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। एक मोल्ड बनाया जाता है, जैसे फंडी शॉप हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में आगे, फंडी शॉप में कैसे मोल्ड बनता है। तो मोल्ड का ड्रैग पोर्शन दिखाया नीचे वाला, अपर दिखाया नहीं, कोप को दिखाया नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कोप भी रहता है। कोप में क्या है, मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, इसमें उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया, कोई कॉम्प्लिकेशन था तो बड़े में फिगर बनाएंगे तब दिखाएंगे कैसे कोप है और कैसे ड्रैग है। नीचे वाला ड्रैग पोर्शन ये मोल्ड है, बालू वगैरह से ये बना हुआ है, ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग लगी हुई है जिससे कि हीट इधर उधर लॉस नहीं हो। महीन एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड इनका मिक्सचर इसमें भरते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये महीन एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड इसको भरते हैं। इस मिक्सर में क्या रहता है, 3 भाग ऑक्साइड तथा 1 भाग एल्यूमिनियम होता है। और जो मिक्सर की जो रेफ्रेक्टरी है, यहाँ रेफ्रेक्टरी है जिससे हीट को इधर उधर नहीं जाने देते हैं, तो रेफ्रेक्टरी की लाइनिंग बनाई जाती है, और ऊपर एक पैली में क्या रहेगा, बेरियम पेरोक्साइड पाउडर रहेगा, इसको जलाएंगे। जैसे ही जलेगा तो ये धीरे धीरे सब मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके जहाँ कहीं भी क्रैक है, डेवलप है, टूटा है, उसमें ये मोल्टन मेटल भर जाए। रेड कलर से देख रहे हैं, इसको आप पिघली हुई धातु है, ये पिघली हुई धातु इसमें भरी हुई है, और जहाँ भी क्रैक है, टूटा है, उसमें ये चिपक जाएगी और भर जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। ऊपर ये स्लेज तैर रही है, आप ब्लू कलर और रेड का मिक्सर देख रहे हैं, स्लेज तैर रही है, बाद में मोल्ड को तोड़ के इसको निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा जो मेटल चिपका है उसको फिनिशिंग करके सही कर लेंगे। ये केमिकल वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग इसको बोलते हैं। हीट वेल्डिंग का जो दूसरा पार्ट है वो है फोर्ज वेल्डिंग, ये दोनों हीट वेल्डिंग से ही था। हीट के हमने 3 तरीके पढ़े, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग। दूसरा है हीट का ही फोर्ज वेल्डिंग, इसमें क्या है, जो मटेरियल है उसको गर्म करेंगे, पूरी तरह से पिघलाएंगे नहीं, रेड हॉट प्लास्टिक स्टेज में रहेगा, और उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उसको जोड़ देते हैं। एक तरीका ऐसा रहता है कि सपोज एक मेटल, एक ये है एक ये है, दोनों को गर्म किया और सॉलिड स्टेट में लेके आ गए हैं, 2 तरह के पोर्शन बनते हैं इसमें। सपोज ये दोनों है, ये भी रेड हॉट है और ये भी रेड हॉट है, उसे एक मेल पोर्शन बनाते हैं, फीमेल बनाते हैं। दोनों रेड हॉट करने के बाद एक दूसरे के अंदर फंसा देते हैं, हल्का फंसा रहता है, उसके बाद इसको पावर हैमर से ठोंकते हैं, तो धीरे धीरे ठोंकने की वजह से, वैसे पहले ही प्लास्टिक स्टेज में है वो, तो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, अल्टीमेटली स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग के अकॉर्डिंग ना एक पूरा सॉलिडिफाई होके एक जॉइंट तैयार होता है, तो ये स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग होती है जिस तरह से बताई हमने। सबके ऊपर से फिट ठोंक के
ये जोड़ तैयार होता है, स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग बोलते हैं। दूसरा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें क्या है, इसमें हम बिजली की सप्लाई देते हैं, बिजली की सप्लाई से रेजिस्टेंस की वजह से हीट डेवलप होती है। आपको पता है कि जैसे किसी मेटेरियल के थ्रू करंट अगर फ्लो कराते हैं उसमें रेजिस्टेंस है, तो ड्यू टू रेजिस्टेंस हीट जनरेट होती है। तो हीट इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाएगी कि वहाँ मेटल पिघल जाएगा, और उसी टाइम थोड़ा फोर्स लगा देंगे तो चिपक जाएगा। तो सरफेस दोनों को साफ करके और फिर उसको उसमें करंट देते हैं। ये स्पॉट वेल्डिंग, इसको देख कई तरह की रहती है ये। इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एक स्पॉट वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग है, बट वेल्डिंग है, और बट वेल्डिंग के बाद फ्लैश बट वेल्डिंग है। इसका सिद्धांत थोड़ा सा अलग है, नहीं इन तीनों का थ्योरी ऑलमोस्ट एक ही है। एक एक करके समझते हैं कैसे काम करता है। स्पॉट वेल्डिंग में क्या है, सपोज दो प्लेट्स हैं, ये सपोज दो प्लेट्स आपने ली, दोनों प्लेट्स को साफ करके एक दूसरे ऊपर लगाया, और यहाँ एल्यूमिनियम अलॉय के दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, जैसे ये है, ये सॉरी नॉट एल्यूमिनियम अलॉय, कॉपर अलॉय, जनरली क्यूप्रो निकल रहता है, कॉपर है निकल, क्योंकि हार्डनेस भी चाहिए, सिर्फ कॉपर रहेंगे तो उतना फोर्स लगाएंगे तो टेढ़ा हो सकता है, हार्डनेस के लिए निकल यूज करते हैं। तो क्यूप्रो निकल रहता है जिसमें काफी स्ट्रेंथ भी रहती है और कंडक्टिविटी भी रहती है। कॉपर हमने यूज किया क्योंकि कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए है, इसलिए तो कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस इसके अंदर पैदा नहीं होगा। इसमें रेजिस्टेंस रहता है, हीट यहाँ जनरेट होती है, इसमें नहीं जनरेट होती है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है वो हीट का भी कंडक्टर होता है, तो ये भी गर्म हो जाता है। तो इसको ठंडा करने के लिए वाटर सप्लाई का सिस्टम रहता है, उसको कूल करते हैं। तो हमको एक्चुअल जब दिखाएंगे तो आपको दिखाएंगे, अभी बेसिकली ये समझें कि ये दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट पास हो रहा है इन मेटल की। सपोज ये दो मेटल हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा है, इनके थ्रू करंट पास हो रहा है, करंट और हीट जनरेट हो रही है। हीट जनरेट हो के ये ऑलमोस्ट पिघल गए हैं, पूरी तरह से लिक्विड नहीं बना है, काफ़ी गर्म होगा, यहाँ उस जगह पर लिक्विड बन गया होगा यहाँ मिडिल में। देन उसी टाइम अगर थोड़ा फोर्स और लगाएंगे तो यहाँ पर चिपक जाएगा, ये एक डॉट यहाँ बन जाएगा, इसको स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। इनफेक्ट होता है एक लीवर रहता है, उसको ऐसे दबा देंगे, दबाएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे को दबा के इसको मेटल को दबाने लगते हैं। सपोज इसमें है, जैसे ही पैर से दबाएंगे तो ये ऐसे दबा देते हैं, काफ़ी प्रेशर होता है, लीवर के थ्रू रहता है। एक चीज़ और रहती है इसमें, जैसे ही आप लीवर से दबाते हैं तो करंट की सप्लाई बंद हो जाती है, दबने से पहले करंट बंद कर दिया, लिक्विड रेजिस्टेंस पहले है, उसके बाद आप फोर्स लगाते हैं जिससे कहीं ये भी ना चिपक जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। तो जैसे ही आप दबाना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें स्विच लगा है, करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी, सिर्फ प्रेशर यहाँ लगेगा और प्रेशर से लिक्विड रेजिस्टेंस पहले से ही है, ये दब के चिपक जाएगा ऐसे यहाँ पर। सपोज एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, और जैसे ही प्रेशर लगाना स्टार्ट हुआ तो करंट की सप्लाई बंद हो गई और सिर्फ प्रेशर रह गया, प्रेशर से इसको दबा दिया, तेज प्रेशर से ये चिपक जाएगा। तो ये स्पॉट वेल्डिंग। इसके बाद दूसरी जगह लगाना है तो फिर वहाँ कर दिया, ऐसे पूरी लाइन में स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। एंड देन सीम वेल्डिंग, सपोज जोड़ लंबा है तो लंबे जोड़ के लिए या तो स्पॉट वेल्डिंग एक ही करो, लेकिन आपको लंबा जोड़ लगाना है पाइप वगैरह के लिए, या बड़ी बड़ी प्लेट जहाजों की वो वेल्ड करना है, उस केस में सीम वेल्डिंग यूज करते हैं। एक ही चीज है, या एक पॉइंट था, या इसकी जगह पर पूरा व्हील लगा हुआ है, पूरा व्हील है, इसमें करंट फ्लो करेंगे, ये गर्म हो जाएगा, इसको धीरे धीरे घुमाते जाएंगे, ये व्हील धीरे धीरे घुमाते जा रहे हैं, या मेटल को प्लेट को खींचते जा रहे हैं, तो ये जैसे ये इधर का डायरेक्शन दिया तो इधर को ऐसे धक्का दे रहे हैं, धीरे धीरे धक्का देते जा रहे हैं, गर्म होती जा रही है और प्रेशर भी देते जा रहे हैं, चिपकती जा रही है। तो पूरा एक यूनिफॉर्म जॉइंट तैयार होता है सीम वेल्डिंग, लंबे लंबे पाइप मेटल की प्लेट जोड़ने के लिए सीम वेल्डिंग यूज करते हैं। ऐसे दो लंबी लंबी प्लेट्स हैं, इनको जोड़ना है, तो पूरा यानी कि इधर भी व्हील है, इधर भी व्हील है, पूरा चलाते जा रहे हैं, ऐसे ये जोड़ तैयार होते हैं। सपोज एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये पूरा निकालते जाएंगे। सीम वेल्ट है, बीट में जोड़ दिखाई नहीं देता इसमें, सीम वेल्ट। सीम वेल्ड स्पॉट वेल्डिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। सपोज पूरी आपको नहीं जोड़ना है, बीच बीच में टांके लगा के जोड़ना है, तो रोक के आपने एक जोड़ दिया, फिर आगे सरका दिया, फिर वहाँ जोड़ दिया, फिर आगे सरका दिया, फिर जोड़ दिया, तो दिस कैन वर्क एज ए स्पॉट वेल्डिंग ऑल्सो। तीसरा है बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग जैसे आप देखते हैं एक दूसरे के सामने से मेटल को जोड़ा गया है, इसमें क्या है, ये एक साइड फिक्स है, यहाँ पर ये फिक्स है, और दूसरी साइड है जो मूवेबल है,
ये मोबाइल क्लैंप है, ये मेटल जिसको दो मेटल जोड़ना है, सपोज एक मेटल एक ये है और एक ये, दोनों को जोड़ना है। तो पहले फिक्स वाले में एक लगा दिया आपने, दूसरा मोबाइल वाले में लगा दिया, देन इसको सरकार के पास लेके आए, यहाँ चिपका दिया, करंट फ्लो करा दी, वही करंट जो यहाँ दे रहे थे आप इन सब में, उसी तरह करंट फ्लो, ये दोनों जंक्शन के बीच से करंट जाएगी, हीट जनरेट होगी, ये गर्म हो जाएगा, उसी टाइम इधर थोड़ा प्रेशर से, ये देखो प्रेशर से, ये तो फिक्स है, इधर प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला फिक्स है, इस वाले से आपने प्रेशर लगाया, यहाँ पर गर्म पहले से रेड आउट हो गया है, आप दिखा रहे हैं, रेड आउट होने की वजह से प्रेशर लगा दिया तो ये जुड़ जाएगा, ये बट वेल्डिंग है, सीधा जब जोड़ करना होता है तो बट वेल्डिंग है। एक और टाइप का है फ्लैश बट वेल्डिंग, ये आप यहाँ देख रहे हैं, इसका सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि दो मटेरियल हैं, उसको दोनों में करंट यहाँ इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, करंट का कनेक्शन इसी तरीके से, करंट का कनेक्शन है इसमें भी और इसमें भी, जैसे करंट इधर दे रही थी, और साथ में इसको मूवमेंट के लिए भी है, पहले इसको चिपकाएंगे फिर अलग करेंगे धीरे से, फिर चिपकाएंगे फिर अलग करेंगे, तो स्पार्क जनरेट होगा, करंट ऐसे जा रही, वही जो वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग कर रहे थे उसी तरह स्पार्क जनरेट होगा, स्पार्क की वजह से हीट यहाँ बढ़ जाएगी और ये मेल्ट होने लगेगा, जब देखते हैं मेल्ट होने लग गया तो फिर उससे इसको दबा देंगे, तो प्रेशर से इसको दबा दिया फिर ठंडा होने देंगे चिपक जाएगा। ये सिद्धांत है फ्लैश बट वेल्डिंग का, अच्छे जोड़ इससे भी मिलते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट बेसिक थिंग्स ऑफ द वेल्डिंग, ये बेसिक थिंग्स हमने वेल्डिंग के बारे में बताई है, वो हमने पहले बता दिया था कोल्ड वेल्डिंग का, कोल्ड वेल्ड पहले बता चुके थे, जो स्पेस वगैरह हम यूज करते हैं, यहाँ जमीन पर करना हो तो पहले वैक्यूम क्रिएट करेंगे, दोनों सरफेस को साफ करेंगे, देन हाई प्रेशर अप्लाई करके आप कोल्ड वेल्ड तैयार करते हैं, इसमें हीट करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा इसी तरह से अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, उसमें हीट करने की जरूरत नहीं होती, अल्ट्रासोनिक वेव से जोड़ते हैं, एडवांस वेल्डिंग्स हैं, लेकिन जनरली इंजीनियरिंग में जो यूज होती है वो हीट वाली वेल्डिंग है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें हमने बेसिकली क्या क्या समझा है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग समझा, गैस वेल्डिंग समझा, केमिकल वेल्डिंग समझा, थर्मिट वेल्डिंग बेसिक्स, देन फोर्ज वेल्डिंग में स्मिथ फोर्ज, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग, इन सब के डिटेल के बारे में हम अगले वाले उसमें बात करेंगे। अभी बेसिक हमने समझ लिया कितने टाइप की वेल्डिंग होती है और क्या इसके बेसिक समझते हैं कैसे काम करती है, बेसिक हमने समझने का, तो एक्चुअल हम दिखाएंगे अगले उसमें कैसे एक्चुअल मशीन पे काम करते हैं, इसका भी इसका भी इसका, ये सारी अलग अलग हम आपको दिखाते हैं एक्चुअल फिगर के साथ, एक्चुअल कैसे वेल्डिंग होती है।